हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये 2 से 3 साल तक के बच्चे के लिए इतना सुंदर डिज़ाइन का ये पोंचो बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाएगा। 100 ग्राम ऊन में बन जाएगा ये। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेन बनाएंगे और 96 पूरा चेन होगा। पहले नॉट स्लिप नॉट ले लिया, चूँकि हमें 12 का मल्टीपल्स मतलब 12 फंदों से हमें एक डिज़ाइन बन रहा है, तो 12 का मल्टीपल्स लेंगे। और चूंकि 2 से 3 साल तक के बच्चे के लिए है, इसलिए मैं 96 चेन बनाती हूँ। ठीक है, 96 इस तरह से आप चेन बनाइए। 96 देखिए, 3 बन गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से पूरा मैं 96 यानी 96 चेन बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 96 चेन हमने बना दिया है। इसको सीधा करते हुए हमें नीचे से इस तरह से यहाँ पे यूँ करके और स्लिप नॉट से ऐसे और इसमें भी ऐसे, ठीक है, ऐसे हमें ज्वाइन करके एक चेन लेना है। जहाँ हमने स्लिप नॉट से ज्वाइन किया था, इसी चेन में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 1 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर इसमें 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3 चेन। फिर इसी वाले चेन में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा सेंटर का है, ये एक फ्रंट का सेंटर, एक बैक का सेंटर बनेगा। ठीक है, ये देखिए 3 डबल क्रोशिया ये हो गया। देखिए मान लीजिए ये फ्रंट का सेंटर है, तो 48 इधर होगा, 49 यानी कि 49वां जहाँ फंदा होगा वहाँ से हमें यही चीज़ बनाना होगा। ठीक है, तो आप अपना मार्क कर ले काउंट करके, 48 इधर और फिर 1 से काउंट करेंगे तो 48 इधर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यही चीज़ यहाँ इस साइड और इस साइड दोनों साइड सेम ही बनाना है, बाकी इन सब में एक जैसा बनेगा। ठीक है, अब देखिए आगे बता रही हूँ, 1 चेन, फिर नीचे हमें 2 चेन स्किप करना है और तीसरे वाले चेन में वी स्टिच बनाना है। वी यानी 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसमें ही डालकर वी स्टिच मतलब डबल क्रोशिया, ये हो गया हमारा वी स्टिच। ठीक है, फिर 1 चेन, फिर नीचे हमें 1, 2 स्किप करना है, तीसरे फंदे में एक ही फंदे में 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, फिर इसी में ही एक और डबल, इसमें चेन नहीं लेना है, फिर एक और डबल क्रोशिया। ठीक है, इसको एक साथ हमने 3 डबल क्रोशिया बनाना बना लिया। फिर 1 चेन, फिर 2 स्किप करना है, 1, 2, तीसरे फंदे में हमें वी स्टिच बनाना है। तो वी स्टिच कैसे, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया ऐसे, फिर 1 चेन और 2, 1, 2 स्किप करके तीसरे चेन में हमें एक ही चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, 1, 2 और ये 3, ये हम इतना वाला पैटर्न, ये वी और 3 डबल क्रोशिया ये हाफ तक बनाएंगे इधर। ठीक है, 48 चेन तक, उसके बाद से 49वें चेन में हम ये बनाएंगे, फिर इधर वाले सारे में ये ऐसा वाला पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। बाद में हमारा मैं बताऊंगी कैसे, बस इतना समझ लें कि ये इधर ये जो है सेंटर वाला, ये इस साइड सेंटर, इस साइड सेंटर बनेगा, बाकी बीच में हमें इस तरह का बनाना है। तो मैं पूरा बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पूरा ही फिनिश कर दिया है। यहाँ पे 1st चेन और इधर 49 चेन, इन दोनों में एक जैसा पैटर्न बना है, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, एक आगे का, एक पीछे का, बाकी सब में ऐसा ही है। अब देखिए ये हो गया वी, इसके बाद अब देखिए इसको वी हो गया, फिर 1 चेन लेना है और यहाँ पे जो 3 चेन ले रखे थे ना, इसमें हमें स्लिप नॉट से यूँ जोड़ लेना है। ठीक है, अब देखिए हमें ऐसे सीधे नहीं चलना है, फिर इसको हमें टर्न करना है और हमें इसमें यहीं पे कितना चेन बनाना है, पहले तो इसमें हमें स्लिप नॉट से इसमें आ जाते हैं इस तरह से, इस 1 चेन के गैप में, फिर हमें 4 चेन करना है। 3 चेन हमारा 1 डबल क्रोशिया के लिए और 1 चेन स्पेस के लिए, तो 1, 2, 3 और ये 4 चेन। ठीक है, 4 चेन हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब हमें टर्न करके इधर से बनाना है, फिर करना है। तो देखिए अब ये वी जो था स्पेस में, इसमें हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 और ये
पांच डबल क्रोशिया, ठीक है। इसके बाद हमें एक चेन लेना है, और ये तीन डबल क्रोशिया बनाया था, इसके मिडिल वाले भाग में हमें यहाँ पे बीच वाले फंदे में हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। फिर एक चेन, फिर ये वी पार्ट में हमें पांच डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो तीन चार डबल क्रोशिया और पांच डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर एक चेन, और फिर इस तीन डबल क्रोशिया के बीच वाले फंदे के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया करना है, ठीक है, यही करना है। देखिए हमें, देखिए ऐसे से हमने, ऐसे था हमारा, इधर से हमने जोड़ा था इधर, तो हमें इधर नहीं आना है, ऐसे नहीं आके हमें इसको पैक कर लेना है, बैक करके फिर इधर से हमें बनाना है, ठीक है, टर्न करके फिर उल्टे चलना है, ठीक है। तो हमने जोड़ के बैक करके फिर इसी में ही वी के बगल वाले में, इस बगल वाले में हमने पहले स्लिप नॉट से लिया, फिर चार चेन बनाया, तीन चेन एक डबल क्रोशिया के बराबर, एक चेन एक स्पेस, जो एक चेन का स्पेस दे रहा है ना वही, और उसके बाद से जो वी है उसमें पांच डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन, फिर ये तीन डबल क्रोशिया जो बना रखा था उसमें के बीच में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन, फिर वी में पांच डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर ये तीन डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया है ना बीच में। तो ये पैटर्न हम यहाँ आधे तक मैं बना के दिखाती हूँ कि फिर इधर कैसे करना है। तो मैं यहाँ तक इसके वी सेंटर पॉइंट के इधर वाले वी तक बनाकर आपको दिखाती हूँ आधे में, फिर आधे के बाद इधर कैसे करना है, यहाँ पर बेसिकली कैसे करना है मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए हमने आधा तक कर लिया है वी स्टिच तक, फिर देखिए एक चेन लूँगी, और उसके बाद ये जो एक चेन का स्पेस था ना ये सेंटर पॉइंट में, तो यहाँ पे हमें एक चेन लेके एक डबल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है, जहाँ हम उधर चार चेन लिया था ना, फिर एक चेन लेना है। उसके बाद ये वाला पैटर्न हमारा सेम ही होगा, यानी कि तीन डबल क्रोशिया, तीन चेन, तीन डबल क्रोशिया, ठीक है। देखिए तीन डबल क्रोशिया हो गया, उसके बाद तीन चेन, एक दो तीन और तीन डबल क्रोशिया, एक दो और तीन डबल क्रोशिया, है ना। इसके बाद फिर इस वाले इस किनारे क्या करेंगे हम, एक चेन लेंगे, फिर एक चेन के स्पेस में हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है, ये मतलब इसको पैटर्न बढ़ा रहे हैं हम, इसके बगल में एक चेन और एक डबल क्रोशिया हमें बनाना है, इसीलिए इधर जो टर्न बैक करके हमने चार चेन बनाया था, ठीक है। फिर से एक चेन, फिर पैटर्न वही चलेगा, इसमें वी में पांच डबल क्रोशिया सेम ही है, पांच डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार और एक पांच, हो गया पांच डबल क्रोशिया। फिर एक चेन, और ये सेंटर में तीन डबल क्रोशिया के बीच वाले फंदे में हमें एक डबल क्रोशिया, वही है, कोई चेंज नहीं है, है ना। फिर से एक चेंज, और फिर वी पार्ट में हमारा पांच डबल क्रोशिया, ठीक है। तो ये पूरा बना के आपको, यहाँ तक बना के आपको फिर से दिखाती हूँ कि कैसे बनाना है हमें। इतना तक बना लिया हमने वी स्टिच तक, एक चेन ले लिया है मैंने, अब इसमें हमें वन चेन के स्पेस में वन डबल क्रोशिया हो गया, ठीक है। फिर वन चेन, और ये कॉर्नर वाला था, इसमें हम सेंटर में जाकर थ्री डबल क्रोशिया, एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया, तीन चेन और तीन डबल क्रोशिया, वन टू और थ्री, ये तो सेंटर है, चलता रहेगा, ठीक है। फिर एक चेन, है ना, एक चेन लेने के बाद हमें ये जो चार डबल क्रोशिया लिया था इसमें जहाँ तीन चेन है ना, यहाँ पे हमें स्लिप नॉट ले लेना है, ठीक है, जहाँ हम टर्न बैक किए थे, हो गया। फिर एक चेन लेना है, फिर से हमें टर्न करना है, ठीक है, टर्न कर लेना है, ठीक है, ऐसे में बना रहे थे ना, फिर हमने इस तरह से टर्न कर लिया, और जो ये डबल क्रोशिया था इसी के फंदे से हमें यहाँ से वी बनाना है, वी स्टिच बनाना है। तो एक डबल क्रोशिया, दो चेन और इसी वाले फंदे में हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है, तो हो जाता है वी शेप हमारा, है ना, वी स्टिच,
उसी को कहते हैं, ठीक है। फिर एक चेन, एक चेन ले लिया, फिर यही कॉर्नर आ गया हमारा जो कि हमने टर्न किया था ना, इसीलिए फिर हम इसी कॉर्नर में फिर से जैसे बनाया था तीन डबल क्रोशिया, तीन चेन, तीन डबल क्रोशिया, है ना, एक दो तीन, तीन चेन, इसे हमारा ये सीधी साइड से बनेगा, उल्टी सीधी नहीं बनेगा, इसीलिए ऐसे बनाया जा रहा है कि टर्न बैक करके, ठीक है। ये देखिए फिर से तीन चेन के बाद तीन डबल क्रोशिया, एक दो और ये तीन, फिर एक चेन, एक चेन लेने के बाद जो एक डबल क्रोशिया जो बना रखे थे इसमें हम क्या करेंगे, इसके फंदे पे हमें वी स्टिच बनाना है। तो एक डबल क्रोशिया, दो चेन और एक डबल क्रोशिया, तो वी स्टिच बन गया हमारा, ठीक है। अब देखिए एक चेन लेकर ये पांच बना रखे थे, तो एक इधर का छोड़ना है और एक इधर का फंदा छोड़ना है, बाकी तीनों फंदों में मैंने दूसरा तीसरा चौथा सब पे हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, मतलब अलग अलग फंदों में तीन डबल क्रोशिया बना लेना है, एक एक, तो तीन बन गया, ठीक है। फिर से एक चेन, फिर ये एक डबल क्रोशिया है इस पे हमें वी स्टिच बनाना है, दो चेन और फिर इसी में ही एक डबल क्रोशिया, है ना, इस तरह से। फिर एक चेन, फिर इन दोनों तीन अलग अलग फंदों में एक डब आगे का छोड़ना है, पहला पहला और पांचवा फंदा छोड़ना है, दूसरा तीसरा चौथे फंदे में हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। फिर एक चेन, एक चेन लेते रहना है और फिर यहाँ पे आकर हमें क्या करना है, ये जो बीच का है इसमें वी बनाकर एक चेन लेकर फिर इसमें कॉर्नर पे बनाकर अब यही चलेगा हमारा, यहाँ तक पूरा बना लेते हैं, यहाँ तक, यहाँ तक हमने शुरुआत किया था ना, यहाँ पे आ जा रही हूँ मैं, फिर बताती हूँ कि कैसे बनेगा और पूरी राउंड हम बना सकते हैं और ये चीज पहना जाएगा तो इस तरह से होगा, ठीक है। इसलिए इस तरह से हमें बनाना है, तो मैं पूरा राउंड यहाँ तक बना के दिखाती हूँ। देखिए यहाँ तक हमने बना लिया, फिर से एक चेन लेना है, हर एक पैटर्न मतलब इसके करने के बाद एक चेन लेना है। अब ये हम यहाँ आ गए जहाँ तीन चेन ले रखे थे, वहाँ हमने पहले स्लिप नॉट से यूँ जोड़ लिया, फिर ये वी है तो वी में भी स्लिप नॉट से हमें जाना है, एक चेन लेना है, फिर इसको टर्न करना है। हर बार हमें ऐसा ही करना है, ठीक है, कि जहाँ भी हम ज्वाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग बनाकर टर्न कर लेना है। अब देखिए वी है तो हमें कितने स्टिचेस बनाने हैं, फाइव, फाइव डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो तीन चार और ये एक पांच, यही बनाए थे हमने इसमें, है ना। फिर एक चेन लेना है और जो तीन लिए रखा है उसके सेंटर पे हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है, फिर एक चेन, फिर ये इसमें वी बनाना है, है ना, वी में हमें पांच डबल क्रोशिया बनाना है। तो अब ये दो राउंड का ना हमारा एक फूल बन जा रहा है। अब मैं आपका देख रहे होंगे कि रिपीटिशन ही चल रहा है, ठीक है। फिर से पांच डबल क्रोशिया, एक चेन, पांच डबल, एक चेन, फिर यहाँ तीन जब है तो इसमें एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन वी है इसमें पांच डबल क्रोशिया, है ना। ये पैटर्न हमारा ये वाला ही फिर से चलेगा, है ना, फिर से चलेगा। फिर सेकेंड राउंड हम आएंगे तो यहाँ पे, यहाँ सेंटर वाला बना लेंगे हम जैसा बनते आया है, एक चेन लेंगे, फिर हमें यहाँ पे ज्वाइन करना होगा जैसे यहाँ हमने किया है, फिर यहाँ चार चेन बनाने होंगे, है ना, यहाँ पे, यहाँ आकर यहाँ पे बना के पूरा करके यहाँ पे हमें जोड़ना है। इसके बाद हमें जिस तरह से पैटर्न हमने बनाया था ये वाला, यहाँ पे ये पूरा बना के यहाँ चार चेन किया था ना हमने, उसके बाद यहाँ पे बनाए थे हम, तो सेम ऐसे ही यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बनेगा। तो इसी तरह से पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे, आप जब बनाओगे तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। तो मुझे जितना लंबा बनाना है उतना लंबा मैं बनाकर दिखाती हूँ, बस यही पैटर्न चलना है। यहाँ तक आके फिर से हमें टर्न करना है, यहाँ पर जोड़ कर इसमें ये बना लेंगे और ये वी बन गया, और यहाँ हमें बढ़ाना है ना, जैसे ये पाँच है, तीन करना है, ये पाँच है, इसको तीन तो करेंगे, बट इसको हमें यहाँ एक वी के लिए एक डबल क्रोशिया भी लेना पड़ेगा ना,
इसीलिए हम बढ़ाते जाएंगे, तो हमारा इसी के किनारे किनारे बढ़ाना है हमें। जैसे यहाँ 5 डबल क्रोशिया बना के यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया में एक चेन में एक डबल क्रोशिया भी बनाएंगे, फिर एक चेन लेकर फिर ये चीज़ बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी हमें ये करके यहाँ एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, उसके बाद से हम इसमें जोड़ लेंगे, जोड़ कर फिर इसमें हम टर्न कर लेंगे और फिर इधर से हम बैक कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। हमें हर बार इसके बाद जो है ना यहाँ पे ही यहाँ एक डबल क्रोशिया, यहाँ एक डबल क्रोशिया, इस साइड एक डबल क्रोशिया और इस साइड एक डबल क्रोशिया बढ़ाना है, ताकि वो वी बने और वी के बाद एक पैटर्न बने, डिज़ाइन बने, तभी हमारा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जितना लंबा हमें चाहिए उतना लंबा मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखिए हमने पूरा कर लिया, एक चेन ले लिया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ मैं स्लिप नॉट से इस तरह से कर दे रही हूँ, जोड़ दिया। अब इस स्लिप नॉट को इस तरह से करते हुए हमें इसको इसमें आना है, ये जो तीन चेन, तीन डबल क्रोशिया, तीन चेन, तीन डबल क्रोशिया था ना, यानी सेंटर पॉइंट पे, फिर हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे तो सही बनेगा, ठीक है। और हमारा सीधे का साइड चलेगा, अब तक तो हम उलट उलट के बना रहे थे ना, क्योंकि एक एक बार उल्टा एक बार सीधा, तो ये हम सीधे के साइड ही हैं, इसीलिए ऐसा किया। अब इसमें आ गए हम, ऐसा एक चेन लिया, अब इसमें हमें इस तरह से 10 डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो तीन, इस तरह से मैं 10 डबल क्रोशिया बनाकर आपको दिखाती हूँ, चार पूरा बनाती हूँ, 10 बन गया। अब इसके बाद एक चेन, एक चेन लेकर ये जो गैप में हम एक डबल क्रोशिया करते थे ना, तो यहाँ अब हमें सिंगल क्रोशिया से बांधना है इस तरह से, ठीक है। फिर से हम एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर ये वी में हमें अब 6 डबल क्रोशिया करना है इस तरह से, एक दो तीन चार पाँच छ, हो गया। फिर एक चेन, और फिर ये तीन जो था डबल क्रोशिया उसके बीच वाले फंदे पे हमें ऐसे डालकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बांध लेना है। फिर से एक चेन, फिर इस वी में हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर से एक चेन यहाँ पे बांधेंगे सिंगल क्रोशिया से, फिर एक चेन, मतलब एक चेन तो हमें शुरुआत और अंत में लेना ही है। फिर ऐसे इस तरह से इस मिड वाले जगह आ जाएंगे, फिर हम इसमें 6 बनाएंगे, यहाँ एक चेन लेकर इसमें हमें बांध लेना है, यहाँ पे एक चेन के गैप में फिर एक चेन लेना है, और इस वाले में उसमें गैप में हमें 10 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन, फिर यहाँ हमें सिंगल क्रोशिया से बांधना है, फिर एक चेन लेकर इस वी में 6 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से मैं पूरा राउंड कंप्लीट करते हुए यहाँ तक बना के दिखाती हूँ। इतना बना लिया, यहाँ पे जो स्पेस था ना वन चेन का, यहाँ हमने सिंगल क्रोशिया से जोड़ लिया है, एक चेन लेना है, और ये जो तीन डबल तीन चेन लिया था इसके ऊपर हमें यूँ सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेना है, ठीक है। अब जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया से जोड़ा वहाँ एक चेन करना है, और यहीं पे जहाँ जोड़ा है हमने वहाँ एक डबल क्रोशिया कर लेना है, हो गया। फिर एक चेन लेना है, फिर उसके नेक्स्ट फंदे के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद एक चेन, फिर उसके बगल में फंदे के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन। अब क्या करना है, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया करना है, बीच में एक चेन जरूर ले लेना है, ठीक है। जैसे ये 10 डबल क्रोशिया है तो 10 डबल क्रोशिया तो बनाएंगे, लेकिन बीच में एक चेन लेकर, ठीक है। ये देखिए, तो मैं ये जल्दी से यहाँ तक 10 तक बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ यहाँ कैसे जोड़ना है और फिर आगे कैसे करना है। 10 पे पूरा 10 बना लिया, बीच में एक चेन ले लेकर फिर से यहाँ पे एक चेन लेंगे जैसे लिया था, और फिर ये जो स्पेस है ना एक चेन का, यहीं पे हमें ऊपर टॉप पे इस तरह से जोड़ लेना है सिंगल क्रोशिया से, फिर एक चेन ले लेना है, फिर से हर एक फंदे के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया करना है, एक चेन लेना है, वही रिपीटेशन है, कुछ नया नहीं है हमारा, ये एक चेन, ये फिर इसके बाद हर एक पे अब क्या करना है, बस एक चेन बढ़ा लेना है बीच में, बस बाकी बनाना वही है। अभी 6 डबल क्रोशिया है तो 6 ही बनाएंगे, लेकिन बीच में एक चेन ले लेकर उसके बाद से एक चेन लेंगे, और ये बीच में हमें
सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेना है। फिर से ये गोलाई ले लेगा, तो ऐसे ही मैं पूरा राउंड बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने तीन राउंड में ये वाला कंप्लीट कर दिया, एक तो ये वी बनाया, दूसरा ऐसे सिक्स डबल क्रोशिया, और तीसरा हमने एक चेन लेकर तीन राउंड कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखिए एक चेन ले लिया है, अब इस यहाँ पे तीन चेन में हम इस तरह से स्लिप नॉट करके इसको काट देंगे, ये हमारा बन गया देखिए, और इसको छुपा देंगे हम, इसको हम छुपा देंगे। अब ये हमारा ये नीचे का तैयार हो गया है, अब ये ऊपर का पार्ट बस थोड़ा सा आउटलाइनिंग करना है, ये बता देती हूँ। इसमें हम बीच का पार्ट है ना, यहाँ पे जो ये चल रहा था यहाँ पे ही हम ऐसे गांठ बनाकर, और ये बीच के यहाँ पे ये यहाँ पे हम पहले ऐसे करके एक चेन ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसी में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया किया, इसके ऊपर यहाँ नेक्स्ट फंदे में हमें फिर से सिंगल क्रोशिया। अब ये इसके नेक्स्ट फंदे में यहाँ पे एक यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे टाइटनेस सा हो गया है, यहाँ पे डालकर हमें सिंगल क्रोशिया कर लेना है, ठीक है। और जहाँ पे ये दो चेन लिया था हमने, एक चेन लिया था हमने, यहाँ पे हमें दो डबल सिंगल क्रोशिया करना है, एक और ये दो, ठीक है। बाकी फंदों में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया चलते जाना है, इसको भी छुपाते चले इसमें ही, ठीक है। और जहाँ पे चेन रखा है एक चेन, तो वहाँ पे जैसे यहाँ पे लिया था चेन, तो यहाँ पे हमें दो सिंगल क्रोशिया ले लेना है, बस ऐसे ही हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंगल क्रोशिया हर एक में ले लेकर बना लेना है, तो ये हमारा आउटलाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं पूरा बना के दिखाती हूँ। देखिए सब में मैंने सिंगल क्रोशिया कर लिया है, अब इसको हमें एक चेन लेकर, अब इसको हम यहाँ पे स्लिप नॉट कर लेंगे इस तरह से, यूँ एक चेन लेकर हम कट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसको हम छुपा देंगे इस तरह से। अब इसके लिए हम एक, अगर आप ऐसा ही चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं, या फिर इस पर आप फ्लावर भी लगा सकते हैं, इसको भी छुपा देंगे, ठीक है। तो इस पे हम फ्लावर भी बना कर लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं यहाँ पे फूल भी लगा सकती हूँ, नहीं भी, मेरा तो ऐसे ही सही लग रहा है, बट आप फूल भी लगा सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।